हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीबी स्टार कोटा। तो एक बार फिर से बच्चों आपके लिए एक और अमेजिंग सी प्रॉब्लम जो मैं लेके आया हूं, जिसके अंदर आप सामने देख पा रहे हो कि टोटल तीन इक्वेशन बच्चों यहां पे आपको गिवन है और टोटल जो नंबर ऑफ अननोन्स है वो छह अननोन गिवन है और एक ऐसे एक्सप्रेशन की वैल्यू जो आपको फाइंड करना है। तो अगेन सीधा सीधा डायरेक्टली सोल्यूशन पे नहीं आना, आपको पहले क्वेश्चन को ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आप ये क्वेश्चन सही कर पाए और अगर कर पाए तो आपको कितना टाइम जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा है। एंड अगेन बच्चों, अब आपकी थोड़ी सी थिंकिंग प्रोसेस जो है, थॉट प्रोसेस जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो जो पहले आपके लिए मैं कॉन्सेप्ट लेके आ चुका हूं, जिस टाइप का क्वेश्चन करवा चुका हूं, वही कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट मैं आपका दोबारा से चेक करूंगा कि क्या वो आप कॉन्सेप्ट जो सीखे हो या नहीं सीखे हो। तो जल्दी से जल्दी यार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कितना टाइम आपको लगा इसको सॉल्व करने में, अगर आप कर पाए। एंड अगेन बहुत अमेजिंग प्रॉब्लम है, सोल्यूशन देखने के बाद बहुत ही आसान लगेगी, चार पांच लाइन में हो सकता है सोल्व हो जाए। तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में इस टाइप का ज्ञान मत देना कि सर बहुत ईजी प्रॉब्लम थी, इसमें क्या था उसमें क्या था, क्योंकि अगर एक बार मान लो आपने वो वाला पिछले वाला वीडियो देख रखा तो हो सकता है आपके लिए क्वेश्चन जो आसान हो जाए, बट हाँ बिना सॉल्यूशन देखे अगर आप करोगे तब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि प्रॉब्लम जो वो कैसी प्रॉब्लम है। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। इस टाइप में देखो यहाँ पे आपको तीन चीजें सोचनी है एक्चुअल में। एक तो यहाँ पे क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस टाइप की जो टर्म्स है, जब नंबर ऑफ अननोन्स बहुत ज्यादा होते हैं और नंबर ऑफ इक्वेशंस बेटा कम गिवन होती है तो इसका मतलब कुछ हटके कॉन्सेप्ट जो वो यूज हो रहा होता है जनरली। तो इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ पे एक वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यूज हो रहा हो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले लिए हुए हैं। तो यार हम दो वेक्टर अगर मान लो मैं लेट कर लेता हूं, कोई भी एक वेक्टर मान लो अल्फा वेक्टर मैंने ले लिया, ऑब्वियस सी बात है कि एबीसी की फॉर्म में है तो एक हम एबीसी की फॉर्म में लेंगे और एक बच्चों हमने सपोज बीटा वेक्टर ले लिया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड प्लस का जेड के कैप। अब यहां से यार आप देख पा रहे हो कि ये जो एक्सप्रेशन है वो अल्फा वेक्टर डॉट बीटा वेक्टर लिखा है, अल्फा वेक्टर डॉट बीटा वेक्टर, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड इंटू में सपोज हम ऐसा मान लेते हैं कि इनके बीच का एंगल जो है वो थीटा है तो ये लीजिए कॉस थीटा। अब अल्फा वेक्टर डॉट बीटा वेक्टर क्या होगा, ax plus by plus cz, और ये यहां पे गिवन है, यानी इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी 20। अल्फा वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू बच्चों यहां से आपके पास में आ रही है 4। सिमिलर वे में बीटा वेक्टर जो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 5 इंटू में कॉस थीटा। तो यहां से आप देख पा रहे हो कॉस थीटा जो उसकी वैल्यू 1, यानी थीटा जो वो कितना आ गया 0। थीटा 0 डिग्री आने का मतलब क्या है कि ये अल्फा वेक्टर जो है बच्चों वो बीटा वेक्टर के पैरेलल वेक्टर, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये कोलिनियर वेक्टर जो गिवन है। और यार कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर्स की खास बात क्या होती है कि वो वेक्टर के जो आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट्स जो होते हैं उनका रेशियो जो वो हमेशा सेम होता है। यानी क्या मैं यहां से बच्चों ऐसा बोल सकता हूं कि a अपॉन x इज इक्वल टू b अपॉन y इज इक्वल टू c अपॉन z, ये तीनों इक्वल होंगे और इक्वल टू हम कुछ बोल देते हैं इसको लैम्डा। अब देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन आपको फाइंड करना था इसके अंदर देखो जरा x प्लस वाई प्लस जेड, a की वैल्यू यहां से बच्चों आप क्या लिख सकते हो लैम्डा x, b की वैल्यू लैम्डा y, यानी अगर लैम्डा हमने कॉमन ले लिया तो ये बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड, यानी ये आ चुका आपके पास 1 अपॉन लैम्डा। अब अगर आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर ली तो आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अब लैम्डा देखो कहां से आपको मिलेगा, लैम्डा कहां से मिलेगा ये चीज थोड़ी सी अब आपको सोचने वाली है। तो देखो ए की वैल्यू आपके पास में लैम्डा एक्स आ रही है, तो यहां से देखो जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसके अंदर अगर बेटा ए की वैल्यू हम डालें तो लैम्डा स्क्वायर सबसे बाहर आएगा और ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अगेन आपको पता है 25 है, तो 25 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो यहां से लैम्डा स्क्वायर आ गया बच्चों आपके पास में कितना, 16 डिवाइडेड बाय 25, तो लैम्डा आपको कितना मिलेगा 4/5, और ये वैल्यू यहां पे डालेंगे तो ये आपके पास में 5/4 जो वो क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो आप देख पा रहे हो कि देखने में क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल मतलब ऐसे समझ नहीं आ रहा कि कौन से चैप्टर का, बट एक्चुअल में बच्चों एक वेक्टर का अच्छा एप्लीकेशन ये होता है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यार कैसा आपको ये प्रॉब्लम लगा, आई होप आपको काफी मजा बच्चों इसमें क्वेश्चन में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।